आजमगढ़ की तरफ से सलामी बल्लेबाज जो कि चिरैया कोट ने 30 गेंद पर 61 रनों का लक्ष्य दिया है। 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से इस मैच को जीतने के लिए चाहिए। अगर ये मैच जीतना चाहती है आजमगढ़ तो प्रत्येक ओवर में 12 रन बनाने होंगे। स्टार खिलाड़ियों से भरी हुई टीमें और यहाँ पर कुछ टीम के साथ मशवरा करते हुए उनके कप्तान इस मैच को कैसा जीते जाए, कैसे जीता जाए और खिलाड़ियों से का प्रोत्साहन बढ़ाएंगे उनके शांति हड्डी अस्पताल के कप्तान। फाइनल मैच, फाइनल इनिंग्स। नोमान और राहुल आजमगढ़ के ओपनर बल्लेबाज स्ट्राइक पे होंगे। नोमान और राहुल की जोड़ी, राहुल स्ट्राइक एंड पर, नोमान नॉन स्ट्राइक एंड पर। बॉलर ने अनुज पहला ओवर लेकर के चिरैया कोट की तरफ से। राहुल आए हैं बैटिंग करने के लिए। पहली गेंद स्ट्राइक पर होंगे राहुल आजमगढ़ की तरफ से। शांति हड्डी अस्पताल टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उस पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 5 ओवर में 60 रन बनाए। 61 रनों का लक्ष्य दिया है आजमगढ़ को जीतने के लिए। अनुज दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और इस मैच की पहली गेंद अनुज के लिए और इस गेंद को ड्राइव कर दिया हल्के बल्ले से सिर्फ 1 रन के लिए और वहां पर मिस फील्ड। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन नहीं, कप्तान आजमगढ़ के नोमान ने मना किया और इसी के साथ खाता खुलता हुआ चिरई आजमगढ़ का 1 रन। स्टेट ड्राइव खेलना चाहते थे लेकिन गेंद अंदरूनी सिरा लेती हुई फाइन लेग की दिशा में गई, 1 रन मिला। अगली गेंद लेकर अनुज रोमान के लिए, हल्के हल्के कदमों से अनुज की ये गेंद और इस गेंद को फिर से ड्राइव करने की कोशिश लेकिन सीधे बल्ले से सिर्फ 1 रन के लिए ढकेला उस गेंद को। 1 रन से ही संतुष्ट, स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 1-1 रनों के सहारे 2 रन। बढ़िया गेंदबाजी अभी तक की 2 गेंदों को चिरैया कोट के गेंदबाज अनुज के द्वारा। बैटिंग करने के लिए राहुल तैयार। भाई इतने लोग देख रहे हैं। अनुज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज की ये गेंद और खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा और विकेट कीपर ने उस गेंद को खुद दौड़ करके फील्ड किया और बाई के रूप में 1 रन बनता हुआ स्कोर 3 रन। अनुज अपने पारी का ये चौथी गेंद लेकर के तीनों ही गेंदों पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाज को बिल्कुल रूम नहीं दे रहे हैं बड़े शॉट्स के लिए। नमान स्ट्राइक पर 5 ओवर में 60 रन बनाने पहली तीन गेंदों पर पूरी तरह से चिरैया कोट के गेंदबाजों ने बढ़िया गेंदबाजी की है। अगली गेंद लेकर के नमान के लिए वो गेंद और बल्ले का बाहरी किनारा लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, इसे भी दौड़ करके 1 रन पूरा किया स्कोर 4 गेंद पर 4 सिंगल के सहारे 4 रन बगैर किसी नुकसान के। बढ़िया गेंदबाजी कह सकते हैं, सिंगल और डबल से कोई दिक्कत नहीं होगी शांति हड्डी अस्पताल को लेकिन आजमगढ़ के लिए जरूर समस्या खड़ी होगी सिंगल्स के लिए, बड़ी हिट्स तो लगाने ही होगी। इस ओवर की ये 5वीं गेंद, 4 गेंद पर सिर्फ सिंगल के सहारे रन बने हैं। 5वीं गेंद लेकर के और इस गेंद को ड्राइव कर दिया और ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे गेंद आकर के गिरती हुई 6 रनों के लिए और इस छक्के के साथ ही स्कोर होता हुआ 10 रन आजमगढ़ का 5वीं गेंद पर बेहतरीन शॉट।
अनुज की एक पांचवी गेंद कमेटी कार्यकर्ता गेंद को वापस कर दें। पांच गेंदें हो चुकी हैं, ये पहले ओवर की अंतिम गेंद। निश्चित ही चार गेंदों पर अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन पांचवी गेंद जैसे ही शॉर्ट पिच मिली उस गेंद को घुमा दिया और सीधे छह रन कमेंट्री बॉक्स के नीचे आकर के गेंद गिरी थी। अगली गेंद लेकर के इस ओवर की अंतिम गेंद और इस गेंद को फिर से ड्राइव करने का प्रयास। वहां पे खिलाड़ी मौजूद है और एक रन से ही संतुष्ट यहाँ पर ओवर थ्रो और उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर आजमगढ़ के बल्लेबाज दूसरा रन भी पूरा किया। पहला ओवर समाप्त, स्कोर पहले ओवर की समाप्ति पर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। 24 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए आजमगढ़ को। चौबीस गेंदों पर 49 रन कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन चिड़िया को अगर अच्छी गेंद निश्चित ही कर सकती है। वीडियो को शेयर करते हैं, जफर रंजट को फॉलो कर ले, जो लोग नहीं किए भाई वो लोग फॉलो कर ले। हमारा एक यूट्यूब चैनल है जफर इंजन नाम से, उसको भी आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को जरूर भाई फॉलो करें जो लोग वीडियो। फाइनल मैच में आजमगढ़ और शांति हड्डी अस्पताल के बीच में खेला जाता है भाई, स्टार भी इस प्रतियोगिता का ये फाइनल मैच, जिसमें पहले बल्लेबाजी करके शांति हड्डी अस्पताल ने 60 रन का स्कोर खड़ा किया और अब दूसरा ओवर लेकर के चिड़ैया कोट की तरफ से अंकित सिंह। अगर अंकित सिंह हो तो हाथ उठा दें। अंकित सिंह कल की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, इनके नाम बहुत ही चर्चा में है। देखना होगा क्या फाइनल ओवर में यहाँ के दर्शकों को अपने नाम का हुनर दिखा सकते हैं या नहीं। पता तो दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर के अंकित सिंह कल की के लिए बेहतरीन गेंद, लेकिन वहां पर विकेट कीपर से यह गेंद मिस हुई और उसका पूरा फायदा उठाते हुए बल्लेबाज ने बाई के सहारे एक रन पूरा किया। स्कोर 13 बगैर किसी नुकसान के। एक भी विकेट नहीं खोया है आजमगढ़ ने, निश्चित ही एक अच्छी बात। एक बार फिर से अंकित सिंकल की राहुल के लिए उनकी ये गेंद, फिर से बढ़िया गेंद, ड्राइव किया सीधे बल्ले से, ड्राइव किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और सिर्फ एक रन से संतुष्ट खिलाड़ी एक बार फिर। स्कोर 14 बगैर किसी नुकसान के। और अब आए हैं स्ट्राइक पे नोमान 10 नंबर की किट में पूर्वांचल के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज का सामना। पूर्वांचल के नामचीन गेंदबाजों में अपना नाम दर्ज कर चुके अंकित सिंकल की बेहतरीन तेज गति की शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद, उसे ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल के एक रन चुराया। नोमान ने स्ट्राइक चेंज कर लिया। 10 नंबर की जर्सी, जिसमें क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन भी 10 नंबर की विकेट में खेला करते थे। अंकित अपने बॉलिंग लाइनअप पे, राइट आर्म ओवर द विकेट, राहुल के लिए, और ये देखिए शानदार बिल्कुल टाइमिंग शॉट और नो बॉल का इशारा अंपायर का। बेहतरीन शॉट, बिल्कुल टाइमिंग शॉट, कॉपी बुक शॉट, नो बॉल अंपायर का इशारा और फ्री हिट। अंपायर का फैसला इस समय मान होगा। प्लीज अंपायर से डिस्कस ना करें, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, कृपया अंपायर से बहस ना करें और अंपायर जल्द से जल्द मैच को शुरू करें। बॉल और फ्री हिट की दशा में रन कम कर दिए जाएंगे और 6 रन राहुल ने नो बॉल का पूरा फायदा उठाया। जैसे ही अंपायर की कॉल हुई नो बॉल, उन्होंने अपने शॉट सिलेक्शन को जज किया और तुरंत बॉल की हाइट और लेंथ को देख के शानदार लॉन्ग ऑन पे छक्का जड़ा। अगर फ्री हिट पर बाउंड्री लगी तो निश्चित ही आजमगढ़ के लिए बहुत ही सोने पर सुहागा कह सकते हो सकता है। और इस बीच अंकित सिंह कलकी के भी के कंधों पे काफी बड़ी जिम्मेदारी, एक छोटे स्कोर को डिफेंड कर रही है चिड़िया कोट की टीम और उस बीच ये फ्री हिट देखते हैं राहुल क्या करते हैं। अंकित सिंह कलकी और एक शॉट,
पुल करके शानदार तरीके से खेला, छोटे कद का खिलाड़ी 6 रन। और जिस चीज की हम बात कर रहे थे वही हुआ, एक और छक्का, स्कोर बढ़ता हुआ जफर मामू के 28 रन बगैर किसी नुकसान के। वीडियो को शेयर कर दे भाई। और इस तरह के बॉलिंग की उम्मीद कल की से उनके कैप्टन नहीं कर रहे होंगे, एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। अगर यहाँ से आपको रानीपुर लेफ्टिनेंट बिहारी सिंह टूर्नामेंट प्रतियोगिता का फाइनल जीत के जाना है तो आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, अन्यथा ये मुकाबला काफी दूर जाता हुआ दिखता हुआ। अभी तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है, अभी नोमान के बल्ले से आतिशबाजी दिखनी बाकी है। अब एक भी सिक्स नोमान के बल्ले से नहीं आया है, 3 सिंगल के साथ नोमान 3 रन अपने बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं राहुल ने अपनी पारी के अंतर्गत 3 छक्के लगाए हैं। अंतिम गेंद इस ओवर की लेकर के अंकित सिंकल की निश्चित ही ऐसी उम्मीद नहीं थी यहां पर चिड़ई उनके कप्तान को। अंतिम गेंद और इस गेंद को धीरे से ड्राइव कर दिया और एक कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति हुई। और इस मैच के हीरो के रूप में नोमान एंड कंपनी के लिए राहुल भूमिका निभा रहे हैं, हीरो की भूमिका, और वही हीरो के भाई की भूमिका में नोमान आज नजर आ रहे हैं। आमतौर पे मैच के हीरो होने वाले नोमान आज हीरो के भाई की भूमिका अभी निभाते हुए, जानते हैं कि अभी भी मुकाबला उनके गिरफ्त में है। अगर चिड़ैया को उसकी टीम विकेट नहीं लेगी तो ये मुकाबला उनकी पहुंच से दूर जाता हुआ। आप मंत्रणा में ज्यादा समय ना व्यतीत करें क्योंकि अंधेरा हो रहा है, आप जल्द से जल्द 18 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत, निश्चित ही अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। लेकिन आजमगढ़ के लिए अच्छी बात कि उनका कोई भी विकेट अभी तक नहीं गिरा है, दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज पर है। नोमान एक इतना बड़ा नाम, जानते हैं अपनी गेम को, अपनी एबिलिटी को अच्छे तरीके से जानते हैं। कब उन्हें किस गेम बॉलिंग जल्दी लगाए कप्तान, खेल भावना का परिचय दें क्योंकि मौसम से गेंद को दिखने प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कराएं। राहुल जो कि काफी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और स्कोर इस समय 29 रन हुए, 61 पे जीत है। 32 रनों की जरूरत 18 गेंदों पर, इसी बीच पहले गेंद तीसरे ओवर की और बेहतरीन शॉट सीधे बल्ले से और 6 रन, और इसी के साथ स्कोर होता हुआ 35 रन। बिल्कुल किसी भी अतिरिक्त ताकत की जरूरत नहीं, बिल्कुल टाइमिंग के भरोसे बल्लेबाजी करते हुए राहुल, छोटा पैकेट बड़ा धमाका राहुल करते हुए यहाँ पर। हिंदी में कहा जाता है सत्सैया के दोहरे ते नाविक के तीर, देखन में छटन लगे घाव करे गंभीर, और कुछ इसी तरह का प्रदर्शन करते हुए राहुल, देखते हैं क्या होता है। ये बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट राहुल के लिए और यॉर्कर लेंथ की, बिल्कुल अपने स्टांस को क्लियर करने का प्रयास, लेकिन जब तक वो अपने पैरों को साइड ऑन करते अपने आप को खुद को याद करा लिया। 18 गेंद पे 32 रन चाहिए थे भाई, एक छक्का लग गया है। अब एक बार फिर से कुछ इसी तरह की नपी सुनी बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी, गुच्छों में विकेट लेने होंगे। और यहाँ पे खिलाड़ी गेंद के नीचे देखते हैं क्या होता है, अनस इजी कैच और विकेट, पहला विकेट गिरता हुआ राहुल। अब थोड़ी सी कुछ आशा की उम्मीद, आशा की किरण इस मुकाबले में दिखती हुई। 26 रनों की जरूरत आजमगढ़ को, 26 रनों की जरूरत। नौ गेंद पे कहां भाई, 15 गेंदों पर 26 रनों की जरूरत, 15 गेंद पे 26 रन चाहिए भाई। भाई अपनी फील्ड प्लेसमेंट जल्द करें, और अंपायर फ्लड लाइट की व्यवस्था यहां पे नहीं है, और इसी सूर्य के प्रकाश में मुकाबला खेला जा रहा है। राहुल जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, 29 रन बनाया अपनी टीम के लिए फाइनल मुकाबले में एक हाई प्रेशर गेम में,
देखते हैं कौन सी टीम आगे निकलती है। अभी भी टीम के कैप्टन टीम वन मैन शो करने का पूरा मादा रखने वाली पूरी टीम, हर एक खिलाड़ी एक टीम के बराबर है नोमान एंड कंपनी का रघु। और ये एक खराब फील्डिंग कही जा सकती है मनीष के द्वारा। और इस बीच स्कोर जा पहुंचा है 39 रन, और इन 39 रनों में राहुल जिन्होंने एक आतिशी बल्लेबाजी की, 4 छक्के लगाए राहुल ने और 29 रन बनाए। रघु एक बेहतरीन बल्लेबाज, लेकिन आज उम्मीद के मुताबिक और विकेट कीपिंग से भी टीम को साथ नहीं मिल रहा है खिलाड़ियों को। लेकिन अब उनके सामने हल होगन टीम के नोमान शेख बल्लेबाजी करते हुए। 40 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर आजमगढ़ का, 21 रनों की और जरूरत। इसी बीच ये गेंद लेकर के दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद और बेहतरीन शॉट और 6 रन, एक और छक्का, जीत की तरफ बढ़ती हुई आजमगढ़। नोमान के बल्ले निकलता पहला छक्का और अब इस मुकाबले को जीतना है तो कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करना होगा शांति हड्डी अस्पताल को, अन्यथा ये मुकाबला उनकी पहुंच से काफी दूर जाता हुआ। सो मच भाई, 2 के लाइव देख रहे हैं, 12 रनों की जरूरत। शेयर करते रहे भाई, स्टार का ऑप्शन आ गया, स्टार भी भेज सकते हैं भाई। ये वो समय है जब अस्पताल अपनी टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को इस ओवर में गेंदबाजी कराना चाहेंगे, क्योंकि बताया 12 गेंदों पर 15 रनों की जरूरत। 12 गेंद 15, 46 रन स्कोर है इस समय 3 ओवर की समाप्ति पर आजमगढ़ का। और अनुज को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी तक इस मुकाबले में देखते हैं रघु जिन्होंने इस मुकाबले में अभी कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेला है, वो चाहते होंगे कि लास्ट ओवर तक मैच न जाए और इसी ओवर में मैच को खत्म करे। और कुछ उसी तरह का शॉट, और मनीष आज थोड़े से सुस्त दिखते हुए ग्राउंड के बीच। और अनुज अब उनकी अग्नि परीक्षा, क्योंकि नोमान भी जानते हैं कि इस मुकाबले को आखिरी ओवर तक खींचना सही नहीं होगा, क्योंकि लगातार प्रकाश कम होता जा रहा है और उस उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी करनी होगी नोमान को। नोमान ऑन साइड पे खेला, मनीष वहां पे 1 ही रन और 2 रन इस ओवर से अभी तक आए हैं। और ये मुकाबला जो कि एक अगर 4 अच्छी गेंदें करते हैं उन पे बाउंड्री नहीं आती है तो शायद लास्ट ओवर तक ये मुकाबला चल जाए, जिसमें थोड़े बहुत चांसेस हो चिड़ियाकोट के पास, क्योंकि अंधेरा होने का एडवांटेज चिड़ियाकोट की टीम लेना चाहेगी, ताकि लास्ट ओवर तक मैच चलेगा तभी आप उस तरह के एडवांटेज को लेंगे। और यहाँ पे शानदार गेंदबाजी, अनुज की शानदार गेंदबाजी, और अपने सबसे विश्वसनीय अपने स्ट्राइक पावर को लाया गया है। आमतौर पे देखा जाता है इंडियन टीम में ये जो लास्ट ओवर से सेकेंड लास्ट ओवर होता है उसमें बुमराह जो टीम के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जब टीम डिफेंड कर रही होती है तो वो करते हैं, कुछ उसी तरह की जिम्मेदारी आज अनुज के ऊपर। और यहाँ पे वाइड बॉल, अंपायर का इशारा वाइड, और इस एक एक्स्ट्रा रन के बदौलत टीम का स्कोर जा पहुंचा है 49 रन। 49 रन, इन 49 रनों में राहुल जिन्होंने इस मैच में काफी बड़ा अंतर पैदा कर दिया है, लेकिन इस बात को जेहन में रखना होगा
चिड़ियाकोट की टीम को, क्योंकि उनके जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है और गजब की गेंदबाजी अनुज के द्वारा हाई प्रेशर सिचुएशन में बेहतरीन गेंदबाजी। नोमान जानते हैं कि इन दो गेंदों में एक बाउंड्री अगर आ जाती है तो अगले ओवर में प्रेशर काफी कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है प्रकाश कम होता चला जा रहा है, जिससे गेंद को देखने में कठिनाई जरूर होगी बल्लेबाजों को। रघु के लिए गेंद अनुज की, और बिल्कुल डीप क्रीज में बिल्कुल डीप खड़े हुए हैं रघु, और शानदार बिल्कुल जो कि क्रिकेट की बेसिक्स होती हैं, घुटने को टिका के बॉल पकड़ने का कुछ उसी अंदाज में मनीष ने गेंद को पकड़ा और इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 50 रन। 11 रनों की और जरूरत इस मैच को जीतने के लिए नोमान एंड कंपनी को, और इन 7 गेंदों में और संभवतः ओवर की लास्ट बॉल होनी चाहिए, अंपायर लास्ट बॉल होता हाथ ऊपर कर, और ये गेंद निर्णायक गेंद, बड़ा खिलाड़ी बड़ा मंच और बड़ा प्रदर्शन करता है प्रेशर सिचुएशन में। इस बाउंड्री ने जरूर थोड़े से प्रेशर को कम किया है, फाइनल मैच कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्रेशर ना हो। अब अंकित सिंह कलकी के ओवर में लगाए गए वो बैक टू बैक 2 छक्के इस मैच में अंतर पैदा कर दिए हैं। राहुल ने जो लगातार 2 छक्के लगाए थे अंकित की गेंदों पे, अब टीम ने जिम्मेदारी सौंपी है बीरू को। बिहार से कितने लोग देख रहे हैं भाई, 7 रनों की जरूरत बिहार को जीतने के लिए आजमगढ़ को, 6 गेंद पर 7 रनों की जरूरत। थैंक यू सो मच भाई, वीडियो को शेयर करते रहे भाई, जितने लोग देख रहे हैं अभी तक जो लोग फॉलो करेंगे सफर एंजेट को फॉलो भी प्रदर्शन रहा है दोनों टीमों का, उसमें मैन ऑफ द मैच के रेस में सबसे अव्वल राहुल चल रहे हैं, लेकिन अभी भी बीरू ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। अगर गेंदबाजी में अपनी टीम को मैच जिताते हैं या फिर 2-3 विकेट झटक देते हैं तो एक बेहतरीन प्रदर्शन होगा। मिराज अंसारी भाई कैसे हो, बिहार से देख रहे हैं भाई। पहली गेंद जिस चीज की उम्मीद होती है, जफर भाई जिंदाबाद, शुक्रिया। कम स्कोर को डिफेंड करना है तो पहली गेंद अच्छे टप्पे पे होनी चाहिए, वो तो कर दिया है। जो बाहरी लोग मैदान में है बाहर हो जाए, ले खिलाड़ी ने अपने अच्छा प्रदर्शन करके 6 रनों से जीत, और इसी के साथ 1 रनों की जरूरत, 1 रन की जरूरत, गाजीपुर मात्र 1 रन, 6 रनों से जीत चाहती है दर्शक। दुबई से भी देख रहे हैं, 4 गेंदें शेष है, दर्शक उम्मीद कर रहे हैं, से भी देख रहे हैं आप लोग, वाराणसी से भी देख रहे हैं, राहुल जो कि इस मैच के फूलपुर से भी देख रहे हैं, आजमगढ़ से भी देख रहे हैं, सिवान से भी देख रहे हैं। एक गेंद और कट किया आउट, और इसी के साथ विकेट गिरता हुआ, दर्शकों का इंतजार बढ़ता हुआ, 3 गेंद पर 1 रन, ये मैच लगभग बराबर हो चुका है। 2.5 के लाइव देख रहे हैं भाई, कुछ लोग जा रहे हैं घर को। सन्नी जो कि पिछले 2 मुकाबले जो इस टीम ने खेले हैं, सन्नी भाई जा रहे हैं, उसमें नॉटआउट रहे और छक्का मार के ही मैच को जिताए हैं, और इस फाइनल मैच के हीरो मैन ऑफ द मैच, देखते हैं एक बार फिर क्या फाइनल मुकाबले में भी छक्का करके इस मैच को खत्म करते हैं। सन्नी एक बड़े खिलाड़ी, 2 मैच सन्नी ने छक्का मार के जिताया है लगातार, ये फाइनल मैच देखिए, फाइनल में भी छक्के की उम्मीद दर्शक कर रहे हैं, लोकल हीरो और टीम के लोकल बॉय, इस क्षेत्र के लोकल खिलाड़ी सन्नी लगातार अपनी टीम के लिए विनिंग शॉट लगाया है, एक बार फिर मौका है अपनी टीम के लिए विनिंग शॉट लगाने का, और जानते हैं क्योंकि आजमगढ़ इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है, आजमगढ़ ने काफी चतुराई का प्रदर्शन किया, क्योंकि कुछ इसी तरह का मुकाबला
बांग्लादेश के साथ भी हुआ था और छक्के लगाने के चक्कर में वो एक रन नहीं बना पाए और मैच को हार गए। राहुल यादव को फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा, देख सकते हैं आजमगढ़ की टीम के राहुल, और मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज सन्नी यादव। तीन मैच खेले, 7 विकेट लिए, 65 से अधिक रन बनाए और तीनों में नॉट आउट रहे। ले रहा हूँ क्यों करके सन्नी यादव का जोरदार प्रदर्शन अपने होम ग्राउंड पर। ठीक है भाई, 7 या 8 विकेट लिए और 65 से अधिक रन बनाए, 3 बार नॉट आउट रहे और 2 बार छक्के से जीता चुके हैं। मैं मिलता हूँ आप लोग से इनाम। राहुल मैन ऑफ द मैच आजमगढ़ की टीम से 29 रन बनाए मात्र 10 या 11 गेंद पे।